हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल लोनी। कैसे हैं आप लोग? आज तो बहुत तेज़ बारिश हो गई है। इतनी तेज़ बारिश तो पहले हुई नहीं, गर्मियों में तो हुई नहीं। आज ऐसी बारिश हुई कि पूछो मत। पूरा पानी पानी भरा हुआ है, जहाँ जहाँ देखो पानी पानी भरा हुआ है। चलो दोस्तों, ज़्यादा टाइम अपना ख़राब ना करते हुए, मैंने एक छोटा सा अमेज़ोन से एक सामान मंगाया था, प्रोडक्ट मंगाया था। वो 3 दिन से मैं उसका वेट कर रहा था, लेकिन वो 3 दिन से पहुंचा ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उसे देखने के लिए, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, रास्ते में उन्हें शायद प्रॉब्लम वॉब्लम हो गई होगी, तो पहुंचा ही नहीं। तो आज इतनी बारिश हो रही थी, तो मैं ये सोच रहा था सुबह से कि आज पहुँचेगा नहीं, और बाहर जाने का तो मन ही बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, जिसका ओपनिंग तो कर दी है, लेकिन थोड़ा जो कुछ बचा कुचा है दोबारा क्लोज करके उन सब ने देख लिया, घर वालों ने मेरे। तो मैं तो कहीं गया था, तो उसकी वजह से अब शाम को जब मैं घर में आया तो वापस मैंने देखा कि मेरा सामान आ गया। मैंने पहले उनसे पूछा कि मेरा सामान घर पर आ गया क्या, तो घर वालों ने बोला अभी आपका सामान नहीं आया है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, भी नहीं आया होगा, आज बारिश इतनी तेज़ हो रही कैसे आएगा। लेकिन आखिरकार वो आ गया था, मुझे घर वालों ने बताया नहीं। तो फिर थोड़ा चाय पानी नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद थोड़ा देर देखा तो घर वाले बोले। फिर मैंने घर वालों से थोड़ा इसके बारे में जिक्र किया, मैंने कहा वो सामान मैंने मंगाया था, 1 हफ्ता पूरा होने वाला है, अभी तक आया नहीं। तो घर वाले गए तो लगता है ज़्यादा से ज़्यादा ही परेशान हो गए। तो घर वाले बोल रहे थे चलो बता दो इसे। तो घर वालों ने पहले जब सामान आया था तो मैंने उनसे पहले फ़ोन करके बोला था कि सामान एक बार जब मैं कभी घर पे ना रहूँ तो आप एक बार मेरा प्रोडक्ट को देख लेना, सामान को देख लीजिएगा। तो घर वालों ने देखा नहीं होगा, लेकिन घर वालों ने देख चुके थे, उन्होंने देखा, खोला खाला, उन्होंने सब कुछ देख लिया था, लेकिन टूटा वूटा नहीं था। चलो अच्छी बात है। हाँ, मेरा क्या, किसी और का भी सामान नहीं टूटना चाहिए। जब कभी कोई प्रोडक्ट मंगाता है तो उसका सामान या टूट जाए या फिर ख़राब आए या डेंट पड़ा या कुछ हो, तो फिर वो मन थोड़ा ख़राब तरफ हो जाता है। तो अब आखिरकार वो सामान आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक छोटा सा अपने लिए म्यूजिक सिस्टम मंगाया है, जिसे अभी तक मुझे बजाना बजाना तो मैंने कभी सीखा नहीं, ना मैंने कभी बजाया है, लेकिन अब आ गया है तो अब थोड़ा बहुत हाथ चलाना पड़ेगा उसमें। सीखने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो मैं दिखाता हूँ आपको प्रोडक्ट क्या है। ये इसका बिल है, और PSR F51, शायद आपने नाम सुना हो, नहीं सुना होगा तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये है क्या। जिससे ये देखो, ये है कैसियो, यामा का कैसियो, अमेज़न से मंगाया है। ये देखो, इसका बहुत इंतज़ार किया, 3-4 दिन तक वेट किया था। जब ये आया नहीं था तो मैंने इनसे बोला था कि मेरा प्रोडक्ट कब तक आएगा, तो इन्होंने बोला था कि 2-4 दिन में आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। मैंने कहा मुझे सीखना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और बिना सीखे तो कुछ आने वाला है नहीं। देखते हैं इसको ट्राई करके कैसा बजता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए मैं सोचा कि मैं अकेले इन्जॉय करने से अच्छा है लोगों को भी थोड़ा सा बता दूँ इसके बारे में, ये किस टाइप का प्रोडक्ट है और कैसा है, अच्छा है, कलर कैसा है इसका, दिखने में कैसा है, और ये बजता कैसे है, थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। मैंने इसके चक्कर में 2-3 दिन तक इसका वेट किया, कल संडे को पूरा संडे वेट किया इसके चक्कर में, लेकिन ये संडे को पहुँचा नहीं। मैं सोच रहा था शायद संडे को ये पहुँच जाएगा तो मेरा अच्छा हो जाएगा, आराम से छुट्टी का दिन रहेगा और आराम से खूब टाइम मिलेगा बजाने के लिए, लेकिन संडे को ये पहुंचा नहीं, ये आज पहुंचा है, और वो भी दोपहर में पहुंचा है, लेकिन मुझे तो शाम को ही मिला है। चलो देखते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए देखते हैं इसमें क्या है और कैसा ये सामान है।
आप सभी को भी दिखाते हैं इसके बारे में, ये कैसा बचता है और इसके अंदर आया क्या क्या है, ये सब आपको दिखाऊंगा। ये अच्छा हुआ तब भी मैं आपको बताऊंगा, ये गंदा हुआ तब भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो देखना शुरू से लेके तो देख ही रहे हो, अब अंत तक ज़रूर देखना। लेकिन मैंने कभी सीखा नहीं है अभी, और न मैंने इसे अभी देखा है, खाली घर वालों ने देखा है, तो मुझे लगा कि इसको अब आपने खोल दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं खोलना तो है ही, तो कोई बात नहीं। मैं लोगों के लिए, आपके लिए, मैं अकेले शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपके साथ तो कर ही सकता हूँ ना, तो इसीलिए मैं ओके देखते हैं इसमें क्या है। इसमें एक बैग आया है, इस बैग को फोल्ड कर, एक इसका एडॉप्टर आया हुआ है चार्जर लगाने के लिए, चार्ज करने के लिए नहीं होगा, ये डायरेक्ट सप्लाई के लिए आता है। वैसे तो इसमें प्लग दे रखा है, जैसे मोबाइल चार्ज पिन होती है वैसी पिन लगी है इसमें, बस थोड़ी सी मोटी पिन वाली है। ये ये है, और इस बैग में और एक इसके लिए नोट्स रखने के लिए ये आया है, ये है जिसकी बुक है। वाओ ऑसम, ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया है, बहुत दिनों से इसकी तलाश कर रहा था कोई अच्छा प्रोडक्ट मिले, और इसको बजा के दिखाता हूँ आपको मैं कैसे बजाते हैं इसको, और मुझे इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, अभी थोड़ा बहुत मैं आपको बजा के दिखाता हूँ ये इसकी वॉइस कैसी है और ये बजता है कैसे, ये स्टार्ट कैसे होता है। ये आपको प्लग में लगाते हैं, देखते हैं, ये इसकी बैक साइड में है, कर देते हैं, ये ऑन हो गया। अभी तो इसमें मुझे कुछ आता है नहीं, लेकिन इसकी आपको वॉइस सुनाता हूँ, ये कितनी प्यारी है। आप लोग देख रहे होंगे, फंक्शन के बारे में तो मुझे अभी इसके बारे में नॉलेज है नहीं ज़्यादा, चलो मैं आपको हल्का सा कुछ ऐसी दिखा देता हूँ। आप सुन सकते हैं कितना प्यारा है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, और ये दिखने का भी बहुत प्यारा लग, thank you।
और इसमें इतने फंक्शन दे रखे हैं, अभी इन फंक्शनों के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, लेकिन बुक देख के देखना पड़ेगा कि बुक में क्या क्या है। और अभी इसमें तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है बजाने में, अच्छा लग रहा है, लेकिन अब जब एक दो बार सीखा जाएगा उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, और फिर बताते हैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में कि ये कैसा अच्छा लग रहा है या बजाने में कैसा हो रहा है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए। तब तक के लिए बाय।